इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है, राइट। हम सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे क्या बिकता है, क्या आता है, कितनी बार हमने सबने देख रखा, कितनी बार बात कर रखी है इसके बारे में। तो इंस्टाग्राम इस टाइम पे सारे सोशल मीडिया में सबसे घटिया सोशल मीडिया में मानता हूँ। पुनीत सुपरस्टार के बारे में बात करते हैं। पुनीत सुपरस्टार आज के टाइम में सुपरस्टार के नाम से जाना जाता है, उसे लॉर्ड बोलते हैं। सुपरस्टार किसी टाइम पे भी अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, फिर शाहरुख खान, फिर सलमान खान, भले हिरन मार रखा ठुशुम, बट स्टिल उसको सुपरस्टार मानते हैं लोग। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो टर्म पहले सुपरस्टार था वो किसी अलग चीज के लिए था, बट आज के टाइम पे सुपरस्टार कौन है? पुनीत सुपरस्टार। कौन? पुनीत सुपरस्टार जो कीचड़ में लेटता है। मेरे को एक छोटे से बच्चे की वीडियो आई थी इंस्टाग्राम के ऊपर जो कि पुनीत सुपरस्टार वाली बकचोदी कर रहा है, कीचड़ में लेट रहा है, कभी कभी क्या कर रहा है। पुनीत सुपरस्टार को देख के किया है। रजत दलाल के बारे में बात करते हैं। रजत दलाल कौन है? एक बंदा जिसको ऑडियंस ने बहुत हाइप दिया, जिसपे उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने एक बंदे को इतना मारा पीटा, उसके ऊपर लिटरली सुसु कर दिया, फिर उसका गोबर में चेहरा लगा दिया, फिर उसकी माँ से सॉरी बुलवाया और आज जेल के अंदर बैठा हुआ है। उसको हम लोगों ने फेमस किया, बाथरूम साफ करवाया और यहाँ तक कि उसके मुंह पर पेशाब भी किया। पापा रजत दलाल लिखा है उसकी आईडी पे। पापा रजत क्या मेरा आदमी इस तरह से बोलता है, शर्म नहीं आती उसको। मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो, मेरा वीडियो उतारा उसने। लड़कियां जो इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे आधी नंगियों की वीडियोस बना रही है, उनके इनके वीडियोस ना भरपूर बढ़े इंस्टाग्राम के ऊपर। जो आज इंस्टाग्राम चल रहा है इन्हीं लोगों से चल रहा है, धंधा पानी इंस्टाग्राम का। वैसे तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा, फॉलो करो यार, घटिया है बट तुम मुझे फॉलो करो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? आज के टाइम पे तो इंस्टाग्राम ने सब्सक्रिप्शन वाला फीचर भी खोल दिया है। ओनली फैंस को हटाने के लिए मार्केट से, इंस्टाग्राम यही करता है, मार्केट से हटाने के लिए किसी और चीज की कॉपी कर दी, तो ओनली फैंस को मार्केट से हटाने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट ले लिया और अपने में डाल दिया। अब सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट आने के बाद उस सब्सक्रिप्शन वाले पेज के ऊपर वो ना पैसे लेके ऐसी चीजें बेच रही है जो कि तुम्हें पता है कि लिटरली एक तरीके से कॉन ही है, सॉफ्ट कॉन। तो वो लोग अपने प्रोफाइल पे दिखा रहे हैं और कॉन सब्सक्रिप्शन पेज पे दिखा रहे हैं। बताओ पक गया है क्या? अबे यार क्या बोलते हो भाई, इतना क्या चाहते हो? तेरे ऊपर ऐसा एक टैग थोप दिया गया कि ये तो कुछ गलत वल्गैरिटी वाला ही कंटेंट है, जो बिल्कुल नहीं था। पूरे कपड़े थे, मैंने कुछ ऐसा वल्गर नहीं किया था, इसमें ऐसा कुछ वल्गैरिटी नहीं है जो लोगों ने इतना दिखा दी है ना बोल के कि यार ये देखो क्या कर दिया, वैसा वैसा क्या बदाम है। अंजलि अरोरा को देख लो भाई, आज के टाइम पे बिग बॉस में जा चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है। तो भाई जो नई लड़की आती है वो देखेगी भैया यार ये बहुत अच्छा तरीका है। हाँ मेरे आई थिंक 2 मिलियन बढ़े हैं उससे, कच्चा बादाम से। मेरी अकाउंट रीच उससे गई थी 106 मिलियन। अब इन सारे जो जितने भी इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं उनके दिमाग में लॉजिक यही बैठा था कि भाई फेम कमाने का, नाम कमाने का सबसे आसान तरीका है मैं कपड़े खोल दूं, ये वीडियो डालो इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि भाई इसी चीज के लिए बैठे हैं। इतने सारे यंग लड़के जो इंस्टाग्राम पे इन चीजों को 24 घंटे देखते रहते हैं। उनकी फॉल्ट तो है ही, बट उसके अलावा फॉल्ट इन कंपनियों की भी है जो कि भाई रेगुलर पोस्ट दिखाती है। तो मानोगे नहीं कि भाई मेल और फीमेल के इंस्टाग्राम पे अलग फीड होता है, मेल को अलग चीजें दिखाई जाती है, फीमेल को अलग चीजें जाती है। अब फीमेल किसी लड़की को देख के तो अट्रैक्ट होगी नहीं, वो तो अपनी नॉर्मल चीजें जो आती है वो देख लेती है, उनकी लाइफ अलग चलती है। बट लड़के के केस में भाई चीज बहुत गंदी है। लड़के के केस में जानबूझ के वो लड़की को वीडियोस दिखाई जाती है और लड़कियां जानबूझ के ऐसी वीडियोस डालती है जिन्हें उन्हें पता कि भाई कहां पहुंचना है। और फिर तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो लड़के, तुम जिन वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, जिनको फॉलो करते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, याद रखना कि भाई कभी तुम्हारी बहन, बीवी और बेटी भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकती है। अब भले सुनने में खराब लग रहा है बट तुम खुद सोचो। अब किसी इंसान को तुम कहो कि भाई तुम्हें बिना कुछ काम किए हुए पैसा मिल रहा है अनलिमिटेड, तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी, तुम्हें बंगला मिलेगा, तुम फेमस होगे, तुम बिग बॉस के शो के अंदर जाओगे, तो वो चीज़ को क्यों नहीं करेगा? तो आज के टाइम तो ट्रेंड बन चुका है भाई कि लोगों ने ना इंडिया में कल्चर बना रखा कि भाई जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनता है, सलवार सूट पहनता है, वो तो भाई गाँव वाली हो गई, और जो भाई अच्छा मॉडर्न कपड़े पहन रहा है, अच्छे छोटे कपड़े पहन रहा है, वो भाई वेस्टर्न और बहुत ही ओपन लड़की होगा। ये सोसाइटी ने बना रखा है, राइट। तुम बोलोगे नहीं कुछ तो वो उल्टा तुम्हें ताने मारेंगे कि भाई तुम तो साला राक्षस हो, तुम हमें आजादी नहीं दे रहे हो। चीज नोटिस करिए, मेरे को ना पुरानी सोच वाले, रूढ़ीवादी सोच वाले बूढ़ों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मजे आते हैं भाई। जैसे मेरी दादी ट्रिगर हुई भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े, हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह, पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई, दिमाग खराब कर दिया भाई बुढ़ी ने। बट जब कोई चीज़ नॉर्म बन जाती है, जैसे चलो ये ओवरसाइज टी शर्ट हो गई, जब ये चीज़ नॉर्म बन गई तो सारे लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इंटरनेट के पे जब सारे लोग ही, उसके फ्रेंड्स भी सारे भाई आधे आधे कपड़े पहन के फोटोज डाल रहे हैं, तो तुम्हारी बहन, बेटी या भी सोच सकती है ये चीज़ कि भाई मैं भी कर सकती हूँ कि सब लोग करें, नॉर्मल है, राइट। और वो चीज़ धीरे धीरे उस चीज कहाँ चल जाती है तुम्हें भी पता है। तो जिनको तुम लाइक कर रहे हो उनको तुम बढ़ावा दे रहे हो। ये सब तो होता रहेगा, मगर एक बात तो है कि भाई तुम लोग क्यूट तो बहुत हो यार। पिछली वीडियो में मैंने 200 का टारगेट दिया था कमेंट का, भाई तुम लोगों ने 250 कर दिया। कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई मैं भी क्यूट हूँ, मैंने भी तो कमेंट किया है। विष्णु यादव ने तो बहुत सारे कमेंट किया हार्ट वाले, तो आई लव यू गाइस। तो इस बार टारगेट रखते हैं 300 का, हो ही जाएंगे तुम लोग सारे के सारे क्यूटी 500। अरे तारीफ करने के लिए शुक्रिया के जम है। चलो ये तो बात होगी इंडिया की। अब बात करते हैं हमारे पड़ोस में रहने वाले देश चाइना। चाइना हमारे साथ डेवलप हुआ था बट आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, वहाँ का वे ऑफ लिविंग अच्छा है, वहाँ के लोगों की इनकम हमारे लोगों से ज्यादा है, वहाँ का GDP हमसे ज्यादा है, और वर्ल्ड में अगर बात करें तो भाई चाइना काफी ज्यादा डेवलप है। अब जब इतना डेवलप कंट्री तो भाई वहाँ का सोशल मीडिया भी हमसे अच्छा होना चाहिए, हमसे ज्यादा अट्रैक्टिव मॉडल्स वहाँ पर होनी चाहिए, राइट। बट नहीं, वहाँ का सोशल मीडिया बिल्कुल नीट टन क्लीन है। वहाँ का सबसे फेमस जो ऐप है वो है टिकटॉक, जो कि भाई चाइना का ही बना हुआ है। उस टिकटॉक में जो वीडियोस आती है रील के ऊपर, वो ज्यादातर होती है डेवलपमेंट के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, नेचर के ऊपर होती है, टेक्निकल वीडियोस होती है, बहुत सारी साइंस के रिलेटेड वीडियोस होती है, जो कि वहाँ के लोगों को बहुत हेल्प करती है अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए, ना कि जो हमारे इंटरनेट के ऊपर होता है। मतलब ये क्या गंदगी है भाई, क्या क्या वीडियोस है। तो मैं वीडियोस दिखाता हूँ, ये बाजू में जो लड़की देख रहे हो तुम, इस लड़की की वीडियो तुम देखो, ये लड़की क्या कर रही है। ये लड़की जानती कि ये क्या कर रही है और इसे पता कि किसको टारगेट कर रही है। इसको इसके पास चाहती तो अपना टैलेंट दिखा सकती थी, पर इसका टैलेंट कोई है ही नहीं। इसका कंटेंट टैलेंट तुम्हें पता कि क्या है, जिस चीज की वजह से इसको फॉलोअर्स मिलेंगे उसको खोल के बैठती है खुलेआम। भाई मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ बट ये रियलिटी है। खोल कैसे बैठ जाती है सामने कि भाई हाँ लोग देखे और इसको दबा के व्यूज या फॉलोअर्स आए। शरीर है ना, सांस मांग रहा है, इसका शरीर कह रहा है कि भाई सांस दे दे मुझे, बट स्टिल टाइट कपड़े पहने कि इसको व्यूज और फॉलोअर्स मिल जाए। ये है तुम्हारे भाई होने वाले बच्चों का रोल मॉडल। और ये सही भी है ना, मतलब किसी भी देश को अगर तुम्हें वार में हराना है तो वहाँ के यंग लोग का दिमाग सटका दो, वहाँ के यंग लोग को न्यूडिटी में डाल दो, वहाँ के यंग लोग को ऐसे छपरी पंथियों में डाल दो कि वो छपरी पंथी करते रहे और रियलिटी में डेवलप ना करे। वरना आज हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना की तरह होता, बट रेस्ट इज हिस्ट्री। इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है, जितनी बार तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तुम उसको बार बार देखते रहोगे। इंस्टाग्राम को बनाया गया ऐसा है कि भाई तुम बार बार स्क्रॉल करते रहो, उनकी वेबसाइट पर रहते रहो, हर वक्त उनके कंटेंट को देखते रहो, उनके कंटेंट में मरे पड़े रहो और अपनी लाइफ को जियो ना। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई। इंस्टाग्राम ऐसा हो चुका कि भाई उसे मेटा, पूरा मेटा ऐसा हो चुका कि भाई धंधा खाने के लिए, बाकी चीज़ों को हटाने के लिए कॉम्पिटिशन से वो सब कुछ कर रहा है, जो कि भाई गलत हो, अनएथिकल हो, उसे करना है। वो तुम्हारा डाटा ले लेगा। टिकटॉक तो भाई तो डाटा लिया करता था, तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा माइक, सब कुछ वो डाटा लिया करता था कि उसे जानना था कि भाई तुम कब क्या कर रहे हो, तुम्हारे बिना जब कैमरा ऑफ है तब तुम क्या कर रहे हो, वॉइस पर तुम क्या कर रहे हो, सब वो रिकॉर्ड कर रहा है वहाँ पर बैठा बैठा। तो उसे मालूम पड़ता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कस्टमर हो उसके लिए, तुम्हें तो उसको एक्सप्लोइट करना है। तो किसी ना किसी तरीके से टिकटॉक एक्सप्लोइट कर रहा था, इसके वजह से बंद हो गया। और इंस्टाग्राम भले इतना लेवल का एक्सप्लोइट नहीं करता, बट तुम्हें पता है कि वो माइक से सबको सुनता है, तभी तुम्हें पता है कि ऐड कैसे आते हैं, जो तुम सोचते हो तभी ऐड आता है। जो तुम सोच रहे होते कि भाई तुम्हारा फीलिंग डाउन, मूड तुम्हारा लो फील कर रहा है, तभी इंस्टाग्राम पे बहनचोद सैड वाली रील आ गई। तो ये सब कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। तो आज के वीडियो को इतना ही। लाइक करना वीडियो को, कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करना प्लीज। वीडियो को मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो के ऊपर। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार। बताओ पक गया है क्या? अबे यार क्या बोलते हो भाई, है ना, क्या चाहते हो? मेरे ऊपर ऐसा एक टैग थोप दिया गया कि ये तो कुछ गलत वल्गैरिटी वाला ही कंटेंट है, जो बिल्कुल नहीं था। पूरे कपड़े थे, मैंने कुछ ऐसा वल्गर नहीं किया था, इसमें ऐसा कुछ वल्गैरिटी नहीं है जो लोगों ने इतना दिखा दी है ना बोल बोल के कि यार ये देखो क्या कर दिया, वैसा वैसा, क्यों अच्छा बादाम।